एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से और मेरी बच्ची काव्या की तरफ से। सो अभी देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे 6 एंड मैं सो गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। अभी बहुत सारे काम हैं, शिफ्टिंग चल रहे हैं, ऊपर से ऑफिस भी रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। अब रात तक जगने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो अभी जस्ट मेरी नींद खुली क्योंकि ये मेरा ऑफिस टाइमिंग है तो नींद मेरी खुल जाती है। और अभी मैं जा रही हूँ सब पैकिंग करने क्योंकि पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत नज़दीक है और मुझे जाना है फ्लैट पे सब क्लीन करने। सो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ आप लोग बताना आज का दिन आप लोगों का कैसे गया। एंड मेरा तो कोई ख़ास नहीं क्योंकि मैं तो बहुत बिजी आजकल रह रही हूँ। सो पूरा शेड्यूल ही आजकल कब बिजी रहता है मेरा, तो मेरा कोई ख़ास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले साल चैम्पियन वगैरह ये सब चीज़ मैंने खोली थी बट इस बार कुछ भी नहीं ऐसा क्योंकि मतलब सिचुएशन भी सही नहीं है और इस कारण मैं ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं की। तो चलता है कभी कभी ऐसा। तो मैं दिखाती हूँ ये हमारा अब यहाँ का इस फ्लैट्स का बस 2-3 दिन का ही ये सब ऐसा लुक दिखेगा, यहाँ का व्यू दिखेगा ये। तो बस कुछ ही टाइम तक, उसके बाद हम लोग दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होंगे। और हम लोग क्यों ये घर खाली कर रहे हैं ये आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस कारण हम लोग खाली कर रहे हैं ये घर। तो अभी भी लेकिन लोग घूम रहे, पूरी रात लोग घूम ही रहे थे। तो बस मैं गई थी बस बाहर कल भाजी लाने, उसके बाद मैं चली आई। तो मैंने किसी को अभी तक विश विश भी नहीं किया। अभी सबसे पहला वीडियो मेरा आप लोगों के साथ और हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों के साथ ही हो रहा है स्टार्ट। मैंने किसी को विश नहीं किया अभी तक क्योंकि मैं सो गई थी और अब बहुत थकावट सा लगता है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं नहीं जग पाती हूँ ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट्स भी मैं नहीं जग पाती। मैं ऑफिस से आते आते कभी कभी तो सो जाती हूँ क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर लंच, नाश्ता, ये सब करते करते बहुत ज़्यादा बहुत ही हो जाता है। तो क्योंकि अगर छोटा सा बच्चा है ना, अब उसके पीछे भी लगे रहना पड़ता है तो बहुत सारी थक जाती है। तो इस वजह से फिर आज बस मैं खाना में मतलब कुछ मैं नॉनवेज वगैरह तो कुछ बनाऊंगी नहीं क्योंकि आज मिठाई बनाऊंगी मैं, क्योंकि आज के दिन नॉनवेज नहीं कोई खाते हैं और ना खाना भी नहीं चाहिए। तो बहुत से लोग खाते भी हैं बट खाना नहीं चाहिए। तो मैं तो बस अभी जा रही, थोड़ा सा काव्या को खीर बहुत पसंद है तो उसके लिए भी खीर बनाऊंगी। और उसका खीर इतना फेवरेट है ना, इतना फेवरेट है ना उसका, उतना उसका सेवई भी फेवरेट नहीं है। उसका खीर इतना फेवरेट है कि बस उसको जितना अच्छा बना दो बस उसको मतलब ये ऐसा लगे कि हाँ मुझे बस चाहिए। मेरे यहाँ खीर ख़राब नहीं होती तो उसके लिए खीर बहुत उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा मेरे यहाँ मैं दूध ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ कि अभी तो मैंने दूध बंद कर दिया है थोड़ा क्योंकि उसको दूध लेने का मेरा ज़्यादा ये रहता है कि कभी उसको खीर या मखाना का खीर, इसको इस टाइप का चीज़ें बहुत पसंद और लंच में भी देना। अब तो और भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, याद आया क्योंकि अब काव्या को कल से स्कूल ओपन तो और भी बावर है। तो फिर इस टाइम पे उठो स्कूल पे, जो अभी तो मैं 6-7 बजे उठती थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सब थोड़ा बहुत जो पैकिंग है गोनी में सब वो सब रखने। सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा है, मैं दिखाती हूँ, सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि सब पैकिंग करना है। तो अभी काव्या अभी सो रही है, उठेगी तो ये देखो मेरे छोटे लल्लू, छोटे लल्लू, ये है मेरे छोटे लल्लू, ये देखो, ये है मेरे छोटे लल्लू जो अभी सो रहे हैं और मैं पी रही हूँ ये गर्म पानी है। तो मैं अभी ब्लॉग को करती हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ आज का। सो बाय बाय।